तो मार्केट घूमने के बाद हम लोगों ने प्रवेश किया है जलियांवाला बाग के अंदर। यहाँ पर क्या है कि कोई टिकट आपको देनी नहीं है। पहले एक गैलरी है जहाँ पर सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग की स्टैचू लगी हुई है। इसके अंदर है पूरा बाग। देखिए एंट्री पॉइंट क्या जबरदस्त एंट्री है। गाइन टेम्पल पे एक बहुत मतलब आश्चर्य की बात पता चली मुझे कि यहाँ पे जो वट वृक्ष है ना, तो उस वट वृक्ष में हनुमान जी को लवकुश ने बांधा। मेरे को पता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो वट वृक्ष, तो हम लोग आए थे कल शाम अमृतसर में। तो अमृतसर में बहुत सारे प्लेस हैं घूमने के लिए। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस ब्लॉग की। फिलहाल हम लोग गुरुद्वारे में हैं। यहाँ पर सर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जूते आपके बाहर काउंटर में आराम से जमा हो जाएंगे। अगर सामान भी है तो आप सामान भी यहाँ अपना जमा कर सकते हो। तो हम लोग पहले आए हैं श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा, स्वर्ण टेम्पल, गोल्डन टेम्पल से बोलते हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए। वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर का व्यू वगैरह, गुरुद्वारे का व्यू। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। मॉर्निंग में हम लोगों ने सोचा कि सुबह सुबह भीड़ कम रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह सुबह लोग काफ़ी आ चुके हैं। उधर है देखिए मंदिर, सामने स्वर्ण मंदिर, इतना बड़ा खूबसूरत लग रहा है। कैसा लग रहा है नियारिका तुमको, हैं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। तुम पापा लोग को बहुत खूबसूरत है ना बना हुआ। रात में व्यू अच्छा आएगा, तो रात का व्यू भी आपको दिखाऊंगा इसका पूरा। तो ये नज़ारा है शाम को। तो ये नज़ारा है श्री हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल अमृतसर स्वर्ण मंदिर का शाम को। आप देख सकते हैं वहाँ पे भक्तों की भीड़ कितनी है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और क्या खूबसूरत ये गुरुद्वारा बना हुआ है अमृतसर में। उधर देखिए, उधर इसका लंगर चलता है। इधर सामने स्वर्ण मंदिर है गोल्डन टेम्पल। मैं सोचा कि आपको शाम का थोड़ा नज़ारा दिखा दूंगा, मॉर्निंग का तो मैंने आपको दिखाया है पहले से। तो सुबह और शाम का आपको दोनों दिखाना ज़रूरी था, फिर शाम का और सुबह का दोनों में फ़र्क होता है। रिफ्लेक्शन आप देखिए ना, तो दोनों में फ़र्क होता है। अब अमृतसर अगर आए तो छोले कुलचे खाना बनता है। तो गुरुद्वारे के पास के बाहर रेस्टोरेंट में हम लोग खा रहे हैं छोले कुलचे। नियर का नाम अलग बन कर दिया है, मैं वीडियो बनाया नहीं खा रहा। तो छोले कुलचे खाने के बाद पहले हमने किया था स्वर्ण मंदिर के दर्शन, उसके बाद छोले कुलचे खाए हमने इसी गली में। साथ साथ में हम लोग बढ़ रहे हैं इसी गली में आगे, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में है जलियांवाला बाग। बहुत हिस्टोरिकल पहले से, तो वहाँ जाके देखते हैं जलियांवाला बाग में क्या क्या होता। और आप इस मार्केट में जो बीजो मार्केट पड़ती है स्वर्ण मंदिर से लेके जलियांवाला बाग तक, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे अमृतसरी जूती, यहाँ के अमृतसरी सूट और छोले कुलचे के मजे और बहुत सारी शॉपिंग आप इस गली में कर सकते हैं। देखिए गली में कितने सुबह सुबह कितनी भीड़ हो गई है।
तो मार्केट घूमने के बाद हम लोगों ने प्रवेश किया है जलियांवाला बाग के अंदर। यहाँ पर क्या है कि कोई टिकट आपको देनी नहीं है। पहले एक गैलरी है जहाँ पर सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग की स्टैचू लगी हुई है। इसके अंदर है पूरा बाग। तो यहाँ पे कुछ सीनरी दिखा रहे हैं कैसे मतलब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी और बहुत सारे लोग उस वक्त शहीद हो गए थे इस जलियांवाला बाग के अंदर। तो ये है प्राचीनकालीन पंजाब। देखिए पंजाब कितना बड़ा था, ऊपर जो नक्शा दिया हुआ है ये पंजाब का नक्शा दिया हुआ, बाद में पंजाब आधा पाकिस्तान में चला गया, इंडिया में समृद्धि और प्रवृत्ति और अग्नि। ये देखिए सामने कितने प्यारे प्यारे स्टैचू बने हुए हैं। जब भी आप जलियांवाला बाग को नेट पर सर्च करते हो ना तो उसका जो सिंबल आता है मतलब जो मोमिनियन का सिग्नल मोमिनियन का जो सिंबल आता है तो वो सामने है। देखिए ये बहुत खूबसूरत प्लेस है, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। कभी आना आप तो आपको थोड़ा इतिहास का पता चलेगा कैसे अंग्रेजों के कहर से यहाँ पे इतने लोग शहीद हो गए। बहुत सारे लोगों के बयान भी उसमें दर्ज हैं अभी भी अंदर और उसकी फिल्में वगैरह भी दिखाई जाती हैं। तो अंग्रेजों से बचने के लिए लोग इस कुएं के अंदर भी कूद गए थे, कुछ लोग दीवार में चढ़ लेते, कुछ लोग कैसे भगदड़ मर गए, कुछ बहुत सारे लोग इस कुएं में गिर के ही मर गए। देखिए कुआं कितना गहरा है। तो दीवारों पे गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं उस घटना के। देखिए जनरल डायर की वजह से मतलब इतने सारे लोग पर गोलियां चलाई गई, उस गोलियों के निशान आज भी इस दीवार पे है। तो कैसा लगा आपको जलियांवाला बाग? बहुत ही सुंदर। पापा पीछे बोले बहुत सुंदर। निहारिका, निहारिका वहाँ जाके बैठ गई, निहारिका थक बहुत जल्दी जाती है। कहाँ से गायब होते हो? कैसा लगा, कैसा लगा? तुम थक गई जल्दी जल्दी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग घूमने के बाद हम लोग पहुँचे हैं गोविंदगढ़ फोर्ट पे। इधर उसकी मिलती है टिकट और चौराहे के उस पार है गोविंदगढ़ फोर्ट की। हमने टिकट ली है नॉर्मल 50 रुपये की, जिसमें क्या बोलते हैं हम लोग सिर्फ नॉर्मल घूमेंगे जो वैलिड है सिर्फ 4 PM तक। इसके बाद मतलब एक 400 की टिकट है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटी हैं जैसे गेम्स है, भांगड़ा डांस वगैरह है ETC, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें अटारी बॉर्डर भी जाना है। तो हम लोगों ने ये टिकट लिया है। बस टिकट चेकिंग कराने के बाद हम लोग आ गए हैं फोर्ट के अंदर, नॉर्मल टिकट ली हुई है। मम्मी पापा कैसा लगा आप मिस्र घूमते हुए? मज़ा आ रहा है। एक्चुअली क्या ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है क्या GoPro, तो आज पूरा का पूरा फ़ोन से शूट करना पड़ रहा है ब्लॉग। इसे थोड़ी आवाज़ में मुझे जुकाम भी लग गया, वैसे थोड़ा बहुत जुकाम लग गया, चश्मा पहन रखा क्योंकि आँखों से ना बिल्कुल पानी निकल रहा है। वो पूरा कश्मीर का ठंडा यहीं आके निकल रहा है पंजाब में। अब कल जब लखनऊ पहुंच जाएंगे तब पता नहीं क्या हाल होगा। तो ये सामने देखिए तोप लगी हुई है, किला गोविंदगढ़ राजा रणजीत सिंह के मतलब ने किला बनाया था। तो यह किला गोविंदगढ़ और बहुत जबरदस्त जगह है, काफ़ी बड़ा। एक्टिविटी बहुत सारी थी लेकिन हम लोगों ने है। तो यहाँ पर है इस फोर्ट का पूरा नक्शा, देखिए दरबार और कहाँ पर जायका गली और किलर गेट और टॉयलेट हवेली तोपखाना आर्ट गैलरी आर्ट बाजार नलवा दरवाज़ा ऐसे करके पूरा इसका नक्शा यहाँ पर। देखिए एंट्री पॉइंट क्या ज़बरदस्त एंट्री है। तो ये है आर्ट गैलरी, ये पता यहाँ का पहनावा पंजाब का। देखिए पूरा ड्रेस कैसे कैसे अंदर लोग कपड़े पहनते थे पुराने वाले थे, पूरी आर्ट गैलरी है ये। हॉकी के भी खिलाड़ी इधर अगर
गुजरात धर्म की जो डेथ होती है वो ऐसी होती है, मम्मी पापा लोग बता रहे हैं ऐसा। तो ये आर्ट गैलरी है, इसमें क्या है, पटकाई वन मोस्टली बाय चिल्ड्रन टू कीप द हेयर टीडी एंड ग्रीन, ये इसे बोलते हैं पटका। ऐसे ये है नॉन सिक टर्बन्स, ये है पेशावरी कुल्ला, ऐसे करके सब मतलब ये है पटियाला शाही टर्बन, ऐसे करके सारी की सारी ये ड्रेस है जी आर्ट गैलरी में। तो ये भगत सिंह बेदी बाहर उनके उनकी ये बनाई हुई उनकी सारी की सारी फ़ोटो उनके द्वारा बनाई गई हुई है कनाडा से, मतलब उनके बारे में लिखा हुआ था, उसमें बहुत खूबसूरत चित्रकारी की हुई है, वाह मज़ा आ गया। तो हमारा जो नेक्स्ट था वो था दुर्गियाना टेम्पल। तो दुर्गियाना कमेटी है यहाँ पे, लंगर भी इसका यहाँ पे है, दुर्गियाना तीर्थ इसका नाम है। तो यहाँ पे मंदिर है बहुत खूबसूरत। तो ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है अमृतसर का। तो ये है सामने दुर्गियाना टेम्पल, ये भी सोने टेम्पल की तरह काफ़ी खूबसूरत है, दोनों ओर सरोवर है इसमें। तो ये अभी बंद हो जाएगा दिन में 1-1.5 बजे, उसके बाद शाम को 3:30 बजे खुलेगा, ऐसा वो बोले थे, अंदर भोग लगता है बोले थे। गाइन टेम्पल पे एक बहुत मतलब आश्चर्य की बात पता चली मुझे कि यहाँ पे जो वट वृक्ष है ना, तो उस वट वृक्ष में हनुमान जी को लवकुश ने मारा। मेरे को पता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो वट वृक्ष है उस पर लिखा हुआ है कि लवकुश ने हनुमान जी को यहाँ पे मारा था। तो अमृतसर में हमारे पास घूमने के लिए सिर्फ 4 प्लेस थे, एक था पहला स्वर्ण मंदिर, फिर जलियांवाला बाग, फिर उसके बाद गोविंदगढ़ फोर्ट, और साथ में ये दुर्गियाना टेम्पल। यहाँ और भी डेस्टिनेशन है घूमने के लिए, अटारी बॉर्डर आप जा सकते हो, और साथ में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लेकिन इस ब्लॉग में मैं सिर्फ 4 दिखा रहा हूँ, ब्लॉग बड़े बात है। नेक्स्ट ब्लॉग में और एक्साइटेड होगा जब जाएंगे अटारी बॉर्डर कल को। सो आज के लिए हम बहुत थके हैं, तो आज यहाँ पर क्लोज करते हैं यार ब्लॉग। तो अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।